वो क्या होता है, सिलोम क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पीछे देखे हैं, थोड़ा उसको देख लीजिए या कैरेक्टर को, और यहाँ पर आसान पड़ेगा आपको। अभी हम लोग शुरू करते हैं प्रोटोजोआ का, थोड़ा सा जो पढ़े थे उसको समराइज कर लेते हैं, एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं। प्रोटोजोआ जो है उसको बांटा गया था उसके लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल से, लेकिन केवल हम एक समरी दे दे रहे हैं जिसमें कुछ डिजीज है और उसका वेक्टर वगैरह है, ताकि आपको जो है ना वो आपको याद करने में ठीक रहे या एक जगह पर कलेक्ट कर सके। तो प्रोटोजोआ को आपका लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर बांटा गया, एक था मैस्टिगोफोरा और फ्लैजिलाटा, दूसरा है सार्कोडीना और राइजोपोडा, तीसरा था स्पोरोजोआ, चौथा था आपका सिलियाटा। ये जो आपका मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलाटा था, इसमें आपका फ्लैजिला होता है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, और ये समानता एक्वेटिक और इंडो पारासाइट होता है। ये जो है ना आपको शॉर्ट में दे दे रहे हैं, एक पेज में आपका पूरा का पूरा प्रोटोजोआ समाप्त हो जाएगा एक तरह से, जो इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपना आराम से कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं मैस्टिगोफोरा जो है वो, या फ्लैजिलाटा, उसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बता दिए, फ्लैजिला होता है, और इसका हैबिटेट का अगर बात करें तो हैबिटेट जो होता है इसका एक्वेटिक होता है, और ये इंडो पारासाइट्स होता है। इसमें कुछ एक एग्जाम्पल था, प्रोटेरो स्पॉन्जिया जो है ना वो कनेक्टिंग लिंक है प्रोटोजोआ के बीच में और पॉरीफेरा के बीच में। ये बताता है कि ये आपका पॉरीफेरा जो है वो प्रोटोजोआ से ही आया है। इसका कुछ एग्जाम्पल था मैस्टिगोफोरा का, लिस्मानिया डोनोवानी जो है वो आपका ह्यूमन पारासाइट है, डाइजेनेटिक होता है, मतलब कि ये दो जीवों पर अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, एक है सैंड फ्लाई जिसको फ्लेबोटोमस कहते हैं, और दूसरा है आपका ह्यूमन बीइंग। इसका जो डिजीज है उसका नाम है काला जार, ठीक है, या इसको हम लोग डमडम फीवर कहते हैं। तो लेस्मानिया डोनोवानी से होता क्या है, काला जार, या जिसको डमडम फीवर कहते, इसका वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई या फ्लेबोटोमस, ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा ये सब। अगला है लेस्मानिया ट्रॉपिका, इससे होता है ओरिएंटल सोर, ये तो लेस्मानिया के बारे में था, दो दिमाग में रखिएगा, एक लेस्मानिया डोनोवानी जिससे होता है कौन, काला जार या डमडम फीवर, वेक्टर इसका कौन है, सैंड फ्लाई या फ्लेबोटोमस है, और दूसरा है लेस्मानिया ट्रॉपिका जिससे हम हमको ओरिएंटल सोर होता है। दूसरा जो है आपका उदाहरण इसका मैस्टिगोफोरा फ्लैजिलाटा का, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है वो भी ह्यूमन पारासाइट है, डाइजेनेटिक होता है, मतलब दो जीवों पर अपना क्या करता है, लाइफ साइकिल पूरा करता है। डिजीज इससे जो होता है उसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। वेक्टर है इसका सीसी फ्लाई, या जिसको हम लोग ग्लॉसिना पालपेलिस भी कहते हैं। अगला इसमें ट्रिपैनोसोमा में एक और है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, तो ध्यान रखना है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से कौन सा रोग, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, वेक्टर का नाम सीसी फ्लाई या ग्लॉसिना पालपेलिस। अगला है टिपैनोसोमा क्रूजी, टिपैनोसोमा क्रूजी जो है वो आपका इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है ट्राइटोमा, ठीक है, और इसका डिजीज है चगस डिजीज, इसका वेक्टर है बग्स, ठीक है, तो इसमें एक और होस्ट है इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है, और उसका नाम है ट्राइटोमा। अगला है उसमें आते हैं ट्राइकोमोनास में कई है आपका स्पीसीज, जिसमें एक है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस जो है ह्यूमन पारासाइट है, ये फीमेल के वेजाइना में पाया जाता है, और इसका जो डिजीज है उसका नाम है लिकोहोरिया। लिकोहोरिया जो है ना
वो आपका ट्राइकोमोनास वेजेनेली से होता है। अगला है ट्राइकोमोनास टीनेस और ट्राइकोमोनास बकेलिस। देखिए ये दोनों का जो डिजीज है वो सेम है, दोनों से पायरिया होता है। आप लोग एक ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जिस तरह से हम बना के दिखा रहे हैं कुछ हद तक कोशिश यही कीजिएगा कि अपना जो पढ़ाई करते जा रहे हैं उसको इसी तरह से समराइज करते जाइए ताकि क्या हो आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगला नेक्स्ट जो है उसका बात करते हैं अगर हम, तो ये है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो है वो सिम्बायोन्ट्स है, इंटेस्टाइन में टर्मिट में पाया जाता है और ये मदद किस में करता है, डाइजेस्टिंग सेलुलोज में मदद करता है, सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करता है। और इससे जो है ना एक इंजाइम निकलता है जिसका नाम है ग्लूकोसाइडेज, जो एक तरह का सेलुलेज इंजाइम है और वो आपका सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगला है जियार्डिया इंटेस्टिनेलिस, ठीक है। ये जो है आपका जियार्डिया इंटेस्टिनेलिस, ये आपका इसको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ये मनुष्य के इंटेस्टाइन में पाया जाता है पैरासाइट के रूप में और एक रोग उत्पन्न करता है जियार्डियेसिस। तो ये कुछ एक आपका हम लोग पढ़ रहे थे मैस्टिगोफोरा का उदाहरण और उसके रोग और वेक्टर। दूसरा है सार्कोडीना या राइजोफोरा। सार्कोडीना या राइजोफोरा का बात अगर हो तो इसका आपका लोकोमोटरी ऑर्गन हो जाता है सीरोपोडिया। ये भी एक्वेटिक है और इंडो पैरासाइट है। इसका कुछ उदाहरण लेते हैं, पहला है अमीबॉयड। अमीबॉयड मतलब अमीबा जैसा, कॉमन उदाहरण है अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो इसमें जो पढ़ना है जिसका डिजीज वगैरह के बारे में वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। पहला एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ना एक तरह का अमीबॉयड है। ये जो है ना पारासाइट होता है आपके कोलोन में। हम लोगों का जो कोलोन होता है, बड़ी आंत का जो भाग है कोलोन, वो आपका उसमें ये पारासाइट के रूप में पाया जाता है और इससे जो डिजीज होता है उसका नाम है अमीबेटिक डिसेंट्री, ठीक है। ये आपका समांतर डाइमॉर्फिक रूप में पाया जाता है। तो इससे जो डिजीज है उसका नाम है अमीबिक डिसेंट्री। नेक्स्ट है एंट अमीबा जिंजिवेलिस। एंट अमीबा जिंजिवेलिस का बात अगर करते हैं तो ये आपका हम लोगों के दांत में पाया जाता है और ये भी आपका पायरिया काउज करता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ आपका अमीबॉयड बता रहे थे, सार्कोडीना या राइजोफोरा फोरा जो है आपका ग्रुप किसका, प्रोटोजोआ का उसका। नेक्स्ट जो बात हम करते हैं वो है रेडियोलेरियंस। उदाहरण में रेडियोलेरियंस जो होता है वो मैरीन होता है, उसका स्केल्टन जो होता है सिल्का स्केल्टन होता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका सिल्का जो है ना वो जमा हो जाता है और उसको हम लोग यूज करते हैं, मनुष्य अपने उपयोग करता है। अगला है फोरामीफेरेंस, तीसरा इसका उदाहरण है। फोरामीफेरेंस जो होता है या ग्रुप है वो भी आपका मैरीन हो सकता है या कुछ एक फ्रेश वाटर भी होते हैं। इसका भी सेल जो होता है कैसा होता है, कैलकेरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो है वो तीसरा ग्रुप है प्रोटोजोआ का। इसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। इसका कॉमन उदाहरण है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, आगे पढ़ाए भी थे और आगे और देखेंगे भी 12th में भी। ये मनुष्य का जो है सबसे खतरनाक में एक था मनुष्य के लिए, क्योंकि इससे मलेरिया होता था और शुरुआत में मलेरिया के बारे में पता ही नहीं चल रहा था कि मलेरिया होता किससे है। एक और है इसका उदाहरण नौसेमा। नौसेमा जो होता है उससे आपको क्या होता है, पेबरीन होता है डिजीज, किसमें, सिल्क वॉर्म में। सिल्क वॉर्म में पेबरीन डिजीज होता है। नेक्स्ट है आपका बैबेसिया।
बेबेसिया से टेक्सस फीवर होता है कैटल में, और ये जो है ये सब आपका फैलता है किससे, तो फीमेल मॉस्किटो के काटने से फैलता है। सबके सब स्पोरोजोआ जो है वो आपका फीमेल मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। ये कुछ हम लोग देख रहे थे। अगला है सिलियाटा। सिलियाटा जो होता है इसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होता है सिलिया होता है सिलियाटा ग्रुप में। ये भी इंडो पैरासाइट के रूप में रह सकता है और ये एक्वेटिक के रूप में रहता है। पारामिशियन इसका कॉमन उदाहरण है, जिसको हम लोग स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो इसमें दो न्यूक्लियाई था। बड़ा न्यूक्लियाई जो है ना रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करता, बल्कि छोटा जो है ना रिप्रोडक्शन में मदद करता है, जबकि बड़ा जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और दूसरा इसका उदाहरण था ब्लैंटीडियम, जो कि मनुष्य के कोलोन में पाया जाता है। ये कुछ एक हम लोग जो है ना उदाहरण देख रहे थे सबका, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर दो, बारह में से वहाँ ब्लैंटीडियम को यहाँ ये बेबसिया है, सबको अंडरलाइन करो ना, एग्जाम्पल है। तो ये कुछ हम देख रहे थे प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बात करते किंगडम एनिमेलिया। जैसे ही बोला जाएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये मल्टी सेलुलर होता है, मोटाइल होता है और हेटेरोट्रॉपिक होता है। मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म ग्रुप जो मल्टी सेलुलर है, मोटाइल है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाला है। इसे सामान्यतः हम लोग एनिमल्स या मेटाजोन्स भी कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का आउटलाइन देख लेते हैं, कैसे क्लासिफाई किया गया। देखो इसको 11 फाइला में बांटा जाता है, ठीक है, 11 फाइला में बांटा जाता है। और कौन कौन है, पहला है पॉरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्राटा, तीसरा है निडेरिया, सिलेंट्राटा को निडेरिया भी कहते हैं, तीसरा है टीनोफोरा, ठीक है, इसको टीनोफोरा टी, ठीक है, टीनोफोरा। टीनोफोरा जो है ना हम लोग पढ़ेंगे आगे प्लेटीहेल्मिंस, नेक्स्ट है एस्केल्मिंस या निमेथेल्मिंस, और उसके बाद है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा और हेमिकॉडाटा, कॉडाटा। ये 11 जो है ना वो आपका फाइला है जो हम लोग एनिमलिया में हम लोगों को जानना है। इसमें बांटा कैसे गया थोड़ा सा उसको हम यहाँ पर आउटलाइन देख से देखते हैं। एनिमलिया को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर दो भाग में बांटा गया, एक सेल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म बॉडी जिसमें सेल जो है ना वो एग्रीगेट हो गया है मल्टी सेलुलर के रूप में, लेकिन वहाँ ऑर्गन का निर्माण नहीं हुआ हो, तो ये कहा गया सेलुलर ग्रेड या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा था जिसमें टिश्यू बन गया, ऑर्गन बन गया या ऑर्गन सिस्टम और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो एनिमलिया को दो भाग में बांटा गया, एक में सेल ग्रेड वाले को रखा गया, दूसरे में टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम वाले को रखा गया। ये एनिमलिया जो था किंगडम था, और इसका जो ये दोनों आधार था बांटने का, ये सब किंगडम में बांटने का आधार था। तो एनिमलिया को दो सब किंगडम में बांटा गया, पहला था पाराजोआ और दूसरा था यू मेटाजोआ। पाराजोआ जो था इसका खासियत क्या है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें पोर भी होता है और एसिमेट्रिकल होता है, पाराजोआ एनिमल के शुरुआती, ठीक है, ये सिमेट्रिकल होगा, पोर बियरिंग होगा। इसका इसमें एक फाइलम को रखा गया और वो फाइलम था पॉरीफेरा। जो भी आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिसके बॉडी पर ढेर सारा पारा क्या था, पोर्स था और एसिमेट्रिकल थे, उन सब को रख दिया गया पॉरीफेरा में। जबकि दूसरा जो था आपका टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनको कहा गया सब किंगडम यू मेटाजोआ में रखा गया,
या एंटेरोजोआ में रखा गया या मेटाजोआ में रखा गया। ये जो आपका सब किंगडम यूमेटाजोआ के जो था वो सब मल्टीसेलुलर थे, और इसमें आपको सारे के सारे बचे हुए किंगडम मतलब 10 किंगडम को इसमें रखा गया। सिलेंट्राटा से शुरू होता है यानी निडेरिया से, और कॉर्डाटा पर समाप्त होता है। पॉरीफेरा को रखा गया पाराजोआ सब किंगडम में, जबकि यूमेटाजोआ में रखा गया सिलेंट्राटा से लेकर कॉर्डाटा तक 10 आपका फाइलम को। ठीक है, अब इसको भी बांटा गया बेसिस ऑफ सिमेट्री के आधार पर। बेसिस ऑफ सिमेट्री के आधार पर अगर रेडियल सिमेट्री है तो रेडियाटा कहा गया, और अगर जो है ना बायलेटरल सिमेट्री है तो उसको बायलेट्रिया कहा गया। रेडियाटा जो था उसमें रेडियल सिमेट्री के साथ साथ डिप्लोब्लास्टिक होता है बॉडी, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि लेटेरिया में बाइलेटरल सिमेट्री होता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ध्यान रखिएगा पाराजोआ में केवल सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि जो आपका मेटाजोआ था या यू मेटाजोआ जिसको बोलते हैं उसमें आपका दोनों जो भी ऑर्गेनिम्स होंगे उन सब में या तो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा या ऑर्गेन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें रेडियाटा में आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि बायोलेट्रिया में कैसा होता है आपका ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें रखा गया फाइलम निडेरियंस को या सिलेंट्राटा को, तो निडेरियंस या सिलेंट्राटा को रख दिया गया इसमें रेडियाटा ग्रुप में। अब एक और इसमें फाइलम को जोड़ा गया है अभी वर्तमान में, जिसका नाम है टीनोफोरा। टीनोफोरा जो है वो आपका नया फाइलम बनाया गया है, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी बॉडी पर कंघी नुमा रचना पाया जाता है ना, इसी से टीनोफोरा। टीनो आता है कॉम के लिए, तो आगे पढ़ेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। तो आपका जो रेडियाटा था उसमें दो ऑर्गेनिज्म को रखा गया, एक है आपका निडेरिया और दूसरा है टीनोफोरा। अगला है बायलैट्रिया में, बायलैट्रिया जो था उसको भी बांटा गया 3 ग्रुप में कम से कम, और आधार था सीलोम या बॉडी कैविटी। एक वैसा बायलैट्रिया या बायलैटरल ऑर्गेनिज्म एनिमल जिसमें सीलोम नहीं होता है, सीलोम एब्सेंट होता है, उसको उसमें ए सीलोमेट कह सकते हैं, ये सीलोमेट। ठीक है, और जिसमें आपका सिलोम है लेकिन आपका ट्रू सिलोम नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, सीडो सिलोमेट, और एक है सिलोमेट। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी लिख लेते हैं पहले। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि बायलैट्रिया जो था ग्रुप उसको बांटा गया किसके आधार पर, बॉडी कैविटी या सिलोम के आधार पर। इसमें जिसमें आपका सिलोम नहीं पाया जाता, बॉडी कैविटी नहीं पाया जाता, उसको कहते हैं ए सिलोमेट। उसका उदाहरण है प्लेटी हेलमिंथ। दूसरा है आपका प्लेटी हेलमिंथ का कॉमन उदाहरण कौन है, टैप बॉम। दूसरा आपका है स्यूडो सिलोमेट। स्यूडो सिलोमेट में किसको रखा गया, एसेलमिंथ को रखा गया, या जिसको हम लोग कॉमनली राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। अगर याद होगा तो एसेलमिंथ को हम लोग निमेथेलमिंथ भी कहते हैं। अगला है आपका सिलोमेट, अर्थात तो वैसा ऑर्गेनिज्म ग्रुप जिसमें ट्रू सिलोम वाले ऑर्गेनिज्म को रखा गया, एनिमल्स को रखा गया। ठीक है, और इसको भी आगे जो है ना कई किंगडम में बांटा गया। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये आपका जो सिलोमेटा था या सिलोमाटा था उसको बांटा गया कई फाइलम में,
जिसमें एनेलिडा, मोलस्का, अर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कॉडाटा था। देखो, एनेलिडा, मोलस्का और अर्थ्रोपोडा जो होता है उसमें जो सिलोम होता है साइजोसिल के रूप में होता है, जबकि मोलस्का और अर्थोपोडा में साइजोसिल के साथ साथ हीमोसिल के रूप में होता है। साइजोसिल हम लोग पीछे देखे हैं, आप देखिएगा, साइजोसिल जो है ना वो आपका उसका ब्लड वेसल्स के फैलने के कारण जो आपका कैविटी बनता है वो था, और अगर उसमें ब्लड ब्लड फील्ड था तो वो कह रहे थे आपका हीमोसिल। साइजोसिल और हीमोसिल पीछे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कॉडाटा। इसका जो सिलोम है उसको कहा गया इंटेरोसिल टाइप का सिलोम, ठीक है। और इस तरह से हम लोग सिलोमाटा को भी बांटा गया तीन, और तीन छ सिक्स जो है ना आपका फाइलम में। अब हम लोग शुरू करते हैं पहला फाइलम पॉरीफेरा जो हम लोगों को पढ़ना है। हम चाहते तो इसका जो है ना आपको मटेरियल दे सकते थे, लेकिन हमको क्या लग रहा है मटेरियल देने के बाद बच्चा जो है ना वो पढ़ नहीं पाता है, तो कोशिश क्या करते हैं साथ साथ जो है ना, कुछ समय लगेगा लेकिन साथ साथ कर लेने से बच्चा जो है ना ध्यान भी देता है। फाइलम पॉरीफेरा का बात करते हैं, फाइलम पॉरीफेरा में आपका है, ये आया है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब है पोरस। पोरस का मतलब है पोर और फेरी मतलब बियर, मतलब बॉडी पर पोर रखने वाला एनिमल्स, ठीक है। ये जो शब्द है रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा दिया गया था, जो स्कॉटलैंड के या स्कॉटिश जो है ना आपके वर्कर थे। नेक्स्ट है कॉमन नेम, इसका क्या है स्पंज, ठीक है। फाइलम पॉलीफेरा का कॉमन नेम है स्पंज। इसमें करीब करीब अभी वर्तमान में 5,000 स्पीसीज जो है ना वो आपका मालूम है इसके बारे में, और इसलिए इसको स्मॉलेस्ट फाइलम कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का बात अगर करें तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब करीब करीब प्रत्येक जगहों पर पाया जाता है। और लेकिन हाँ, एक्वेटिक है, ध्यान रखिएगा। तो कॉस्मोपॉलिटन यहाँ बोलना ठीक नहीं है, वर्ल्ड वाइड से ही काम चलाइए, मतलब पूरे विश्व में पाया जाता है। हैबिट जो होता है इसका सेसाइल और सेडेंट्री होता है। सेसाइल का मतलब आप लोग शायद जानते होंगे, जो कहीं पर फिक्स हो। सेडेंट्री मतलब जो मूव नहीं कर सकता है। सेसाइल जो स्टैटिक हो, फिक्स हो। सेडेंट्री मोड मतलब जिसमें मूवमेंट ना होता हो। बॉडी शेप जो इसका होता है वेस शेप्ड होता है या सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। वेस मतलब समझते होंगे आप, फूलदान के जैसा। अगला है हैबिटेट। हैबिटेट इसका जो होता है एक्वेटिक होता है, ये मोस्टली मैरीन होता है, कुछ एक को छोड़कर। एक फैमिली है जिसका नाम है स्पॉन्जिली। स्पॉन्जिली जो है ना करीब 150 स्पीसीज का एक फैमिली है, और ये आपका फ्रेश वाटर में पाई जाती है। अर्थात स्पॉन्जिली को छोड़कर बाकी जो भी स्पंज के आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, पॉरीफेरा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आपके कैसे हैं, मैरीन होते हैं, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। सिमेट्री का बात करते हैं, ये सामान्यतः एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन कुछ एक जो होता है वो उसमें रेडियल सिमेट्री भी पाया जाता है, जैसे कि ल्यूकोसोलेनिया और साइकन। ये दोनों जो होते हैं इनमें आपका रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसे समान रूप में एक ऐसा होता है एसिमेट्रिकल। अगर आपको याद हो क्लास इसका जो कैरेक्टर पढ़ रहे थे उसमें बताए थे कि एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि बॉडी को दो बराबर भाग में किसी भी प्लेन से नहीं बांटा जा सकता। अगला है जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर जो इसका होता है दो होता है, मतलब ये डिप्लोब्लास्टिक है। बॉडी प्लान का बात अगर करें तो इसमें क्या होते हैं, कई सेल्स जो है ना एग्रीगेट हो जाते हैं या इकट्ठा हो जाते हैं। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, इसके बॉडी प्लान में। सेल्स जो इसमें होता है वो सारे के सारे सेल्स कुछ हद तक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जैसा काम करते हैं। हाँ, कुछ एक आपका कॉपरेशन या कुछ आपका जो है ना, आप देखेंगे आगे हम बताएंगे कि कुछ जो है ना इसमें लेवल ऑफ डिवीजन भी पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर इसको देखा जाए तो जितने सेल्स होते हैं सब के सब इंडिपेंडेंट एक दूसरे से काम करते हैं, बिना एक दूसरे को मदद किए हुए।
इसमें जो स्पंज सेल होते हैं वो अगर मतलब इसके जो बॉडी के सेल्स होते हैं अगर वो आपके किसी तरह से अलग कर दिए जाए, जैसे स्ट्रेनिंग करने में हम लोग उसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो फिर देखा जाता है कि वो आपका क्या होता है, री एग्रीगेट हो जाता है, एक जगह पर जमा हो जाता है और जमा होकर पुनः स्पंज बना देता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से उनमें आपस में कोई ना कोई तो सामंजस्य होगा, तारतम्य होगा, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग करने के बाद पुनः आपस में जुड़कर अपने पैरेंट को बना देते हैं, पैरेंटल बॉडी को बना देते हैं। स्पंज जो है ना, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, कि स्पंज जो है एक आपका गणराज के जैसा काम करता है। गणराज का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, सारे के सारे जो है वो आपका इंडिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट नहीं भी है ना। जैसे रिपब्लिक है मतलब मिलजुल के काम कर रहा है, कुछ बात के लिए जो है ना एक दूसरे से अलग होते हैं और कुछ के लिए जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं कि अपेंडिजेस इसमें जो होता है एब्सेंट होता है। अपेंडिजेस के बारे में पीछे भी आपको बताया होंगे कि बॉडी से निकलने वाला वो प्रोजेक्शन जो बॉडी को फीडिंग में और लोकोमोशन में मदद करता है उसको कहते हैं अपेंडिजेस। तो अपेंडिजेस क्या है, वैसे बॉडी प्रोजेक्शंस जो बॉडी को फीडिंग और लोकोमोशन में मदद करता है उसे क्या कहते हैं, अपेंडिजेस कहते हैं। इसका जो बॉडी कैविटी होता है उसे स्पॉन्जोसील या पारा गैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, और ये काफी बड़ा होता है, बीच में पाया जाता है, और ये बाहर जो है ना आपका एक या एक से ज्यादा बड़ा अपर्चर से खुलता है, जिसे हम लोग ऑस्कुलम या ऑस्कुला कहते हैं। अगर एक होगा तो ऑस्कुलम कहेंगे और एक से ज्यादा होगा तो ऑस्कुला कहेंगे, जो कि एंटीरियर या एपिकल रीजन में पाया जाता है, और ढेर सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं बॉडी पर जो अंततः इसी में आकर खुलते हैं, उनको भी कहते हैं ओस्टियम या ओस्टिया। तो रियली में इसका जो बॉडी कैविटी होता है वो एक या एक से ज्यादा जो है ना बड़े कैविटी में खुल के द्वारा, बड़े ओपनिंग के द्वारा खुलता है, या फिर जो है ना कई छोटे छोटे जो है ना वो पोर्स होते हैं जो भी अंततः इसी में आकर खुलते हैं कैनाल सिस्टम के द्वारा, और उनको कहते हैं ओस्टियम या ओस्टिया। अगला है सिलोम। इसमें सिलोम नहीं होता है, अभी शुरुआत में ही हम लोग देख रहे थे, ये ए सिलोमेट होता है। अगला है बॉडी के वाल जो इसका होता है, बॉडी वाल जो होता है वो दो लेयर का बना होता है और स्पॉन्जोसिल को घेर कर रखता है। स्पॉन्जोसिल के बारे में आपको बताए थे कि बॉडी कैविटी था इसमें। बॉडी वाल जो होता है वो दो लेयर में बटा होता है, उसमें बाहरी लेयर को हम लोग डर्मल लेयर कहते हैं, जो चपटा सेल्स का बना होता है, और उन सेल्स को कहते हैं पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स क्या है, विशेष सेल हैं जो डर्मल लेयर को मतलब कि ऊपरी लेयर जो होता है, आउटर लेयर जो होता है उसको बनाते हैं, और इसीलिए आउटर लेयर को हम लोग पिनेकोडर्म भी कहते हैं। दूसरा है आपका कोनोसाइटिक लेयर या इनर लेयर। कोनोसाइटिक लेयर जो होता है फ्लैजिलेटेड सेल्स का बना होता है, जिन्हें हम कोनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहते हैं, और इसी के कारण ये जो आपका इनर लेयर है इसे कोनोडर्म भी कहते हैं या गैस्ट्रिक लेयर भी कहते हैं। गैस्ट्रिक लेयर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो आपका स्पेस है, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, स्पॉन्जोसील कह रहे थे, उसमें डाइजेशन या गट जैसा वो काम करता है, डाइजेशन के लिए जो है ना गट जैसा कुछ हद तक काम करता है, इसलिए इसको हम लोग गैस्ट्रिक लेयर भी कहते हैं, पेट के अंदर का लेयर ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बॉडी वाल जो होता है दो लेयर का बना होता है, आउटर लेयर जो होता है वो आपका किसका बना होता है, पिनेकोडर्म कहलाता है, वो बना होता है पिनेको सेल्स का, और जो इनर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्म बोलते हैं, वो बना होता है फ्लैजिलेटेड सेल्स का। ये देखिए यहाँ पर ऊपर में देखिए चपटा सेल्स है, एकदम ऊपर से शुरू करते हैं हम, तो आपको सबसे ऊपर में ऑस्कुलम हो गया, ऑस्कुलम एक होगा तो ऑस्कुलम बोलेंगे, और अगर जो है ना एक से ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्कुला बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ही है,
नेक्स्ट देख लीजिए, वो जो आपका ओपनिंग है उस पे आपका एस्पिक्यूल्स पाया जाता है जिसको ऑस्कुलर एस्पिक्यूल कहते हैं। अगला है पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म जो है ना आउटर मोस्ट लेयर है इसका, मतलब कि इक्टोडर्म भी बोल सकते हो आप इसका। और वो देखिए फ्लैटेंड है, एकदम चपटा है, जो भी सेल्स आपको नजर आ रहा होगा देखिए वो आपका क्या है, चपटा है। उसके बाद अंदर का लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, अंदर के लेयर को गैस्ट्रोडर्म बोलते, या आपको यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है वो, है ना, कोनोसाइट सेल्स का बना हुआ होता है वो, उसको लिखना था, छोड़ दीजिए। अब बीच में जो लेयर है आपका वो है मिजेनकाइम, कुछ लोग इसको मिजोग्लिया भी कह देते हैं, लेकिन मिजोग्लिया जो है ना ज़्यादा अच्छा रहेगा उसमें कहना, इसमें सिलेंट्रेट में इसको मिजेनकाइम कहते हैं। इसमें जो है ना आपका कुछ लिक्विड जैसा होता है और आपका स्केल्टन कुछ पाया जाता है। तो सबसे बाहर का लेयर के बाद एक जो है ना वो आपका फ्लूइडी लेयर पाया जाता है जिसे मिजेनकाइम कहते हैं। उसके बाद आ जाइए, देखिए बाहर इसके बॉडी पर पूरा पोर पाया जा रहा है, ढेर सारे पोर्स हैं, जिसमें एक पोर को हम अभी यहाँ पर दिखा रहे थे, कई पोर्स हैं, इस पोर को बोलते हैं ओस्टियम। और ढेर सारा है तो एक साथ क्या कहलाएगा, ओस्टिया कहलाएगा। ये सारे पोर्स को देखो, ये अंत तक किस में खुल रहे हैं, बॉडी कैविटी में ही खुल रहे हैं। तो ऐसे तो अगर अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी कैविटी में कितना ओपनिंग होता है तो आराम से एक या दो बता दोगे, लेकिन हाँ ये सभी जो है ना ओपनिंग ही है, बॉडी कैविटी का ओपनिंग ही है। अब देखो इसमें अमीबोसाइट सेल्स बता रहे, ये पाया जाता है आपका मिजेनकाइम में, कुछ आपका सेल्स पाया जाता है अमीबा जैसा इरेगुलर शेप का होता है, उसको कहते हैं अमीबोसाइट्स। उसके बाद देखिए अंदर का जो सेल्स है उसमें आपका फ्लैजला था जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोनोसाइट्स। और ये लेयर जो था किस लेयर को बनाता था, गैस्ट्रोडर्मिस को बनाता था, या कह सकते हो कि गैस्ट्रिक लेयर को बनाता है। अगला है देखो वो जो आपका पोर था, पोर के दोनों तरफ देखिए सेल्स है, कुछ आपका विशेष सेल्स, उसको बोलते हैं पोरोसाइट सेल्स। उसके बाद आपका जो मिजेनकाइम था उसमें आपको बताया थे कि कुछ स्केल्टन पाया जाता है जिसको हम लोग एस्पिक्यूल्स कहते हैं या स्पॉन्जिल फाइबर्स कहते हैं, वो अलग से अभी बताएंगे उसको। यहाँ पर देखो पानी जो होता है ना, वाटर जो होता है वो आपका ऊपर से निकल रहा है, ऑस्कुलम से निकल रहा है, और इधर से ओस्टिया से जो है ना सबसे घुसता है, सब ओस्टिया से जो है ना वो घुसता है, सबसे जो है ना पानी ऐसे अंदर घुसता है और किसमें, स्पॉन्जोसील में जाता है, स्पॉन्जोसील से फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पर अगर माउथ जैसा कोई का बात करे कि माउथ जैसा कौन सा काम कर रहा था, ऑस्कुलम या ओस्टियम, तो रियली में माउथ जैसा कौन काम कर रहा है, ओस्टियम काम कर रहा है, चूंकि इसी से घुसेगा किससे, ओस्टियम से। अगर ऑस्कुलम के पास भोजन रख दिया जाए या कोई भी चीज रख दिया जाए तो क्या होगा, वो बाहर चला जाएगा, तो इसलिए ऑस्कुलम को माउथ कहना ठीक नहीं होता है। ठीक है, कुछ एक लोग इसको माउथ कह देते हैं कि ऑस्कुलम जो है ना माउथ जैसा काम करता, नहीं, ऑस्कुलम जो है ना वो आपका कुछ हद तक एनस जैसा काम करता है, मतलब कि रिमूवल में का आपका पोर का काम करता है, लेने का जो पोर है, मतलब बॉडी के अंदर ले लेने का जो पोर है वो आपका कौन काम करता है, ओस्टियम काम करता है, ओस्टियम जो है ना वो लेने में मदद करता है। तो जो भी वाटर या फूड वगैरह जो प्रवेश करते हैं बॉडी में ओस्टियम से प्रवेश करते हैं, और जो भी आपका एसिडिटी वेस्ट हुआ या आपका जो है ना CO2 वगैरह हो गया या नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया, वो सब अगर निकलेंगे तो किससे निकलेंगे बाहर, ओस्कुलम से बाहर निकलेंगे। तो ये आपको एक जो है ना स्पंज का फिगर है जो वाटर कैनाल सिस्टम दिखा रहे थे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर देखो जो दिखे थे भी फिगर में उसी को लिख दे रहे हैं कि दोनों लेयर के बीच में जो बाहरी लेयर था आपका और अंदर का जो लेयर था, वो दोनों लेयर के बीच में एक जिलेटिनस मिजेनकाइम पाया जाता है जिसमें आपका क्या है, फ्री अमीबॉइड सेल्स होता है काफ़ी अधिक संख्या में, और जिसको हम लोग अमीबोसाइट्स कहते हैं, जो अमीबॉइड सेल है उसका नाम क्या है, अमीबोसाइट्स, ध्यान रखिएगा। और जो है ना स्केल्टन पाया जाता है किस रूप में, एस्पिक्यूल के रूप में और स्पॉन्जिन फाइबर के रूप में।
ठीक है, ये स्पॉन्जिन फाइबर क्या है, स्पिक्यूल्स क्या है, वो थोड़ा सा आगे बताएंगे अभी। अब आते हैं कैनाल सिस्टम। इसमें जो कैनाल सिस्टम है वो शुरू होता है किससे, ओस्टिया से। ओस्टिया जो है ना वो माउथ जैसा काम करता है और उसी से जो है ना क्या होता है, वाटर बॉडी में इंटर करता है फूड के साथ साथ या ऑक्सीजन के साथ साथ। तो रियली में यहाँ पर माउथ जैसा काम कौन करता है, ओस्टिया करता है, जिससे कि बॉडी के अंदर क्या होता है वो आपका भोजन या O2 प्रवेश करता है और उसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और वो जो कैनाल सिस्टम होता है वो कोनोसाइट सेल से या कैनाल सेल से जो है ना आपका क्या होता है, लाइंड होता है। कोनोसाइट सेल्स आपको बताए थे, वैसा सेल जिसमें फ्लैजलम पाया जाता है। अब देखो उसमें जो है ना, पीछे हम थोड़ा सा फिगर पे आ जाते हैं, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। इसमें देखो ये जो कोनोसाइट्स देख रहे थे, कोनोसाइट जो है ना लगातार आपका उसका फ्लैजलम बीट करते रहता है, मतलब मूव करते रहता है। कोनोसाइट का जो सेल्स है उसका जो फ्लैजलम है वो मूव करते रहता है। मूव करने के कारण वाटर जो है ना वो ओस्टिया से घुसता है और ऑस्कुलम से निकलता है एक ही डायरेक्शन में। तो ऐसा क्यों होता है, कुछ हद तक अगर इसके पास जाएंगे कहीं पर, अगर आपको पानी के अंदर जाना पड़ा और वहाँ पर अगर आपको स्पंज मिला तो वहाँ पर जाइएगा तो क्या नज़र आता है, लगता है जैसे बोरिंग से पानी निकल रहा है, इस तरह से पानी निकलता रहता है ऊपर की तरफ। क्यों भाई, तो सब ओस्टियम से वो पानी घुसता है, ओस्टिया से पानी घुसता है और ओस्कुलम से ऊपर निकलता रहता है। तो बॉइलिंग सेंसेशन कुछ हद तक वहाँ पर मिलता है और ये होता है किसके कारण, कोनोसाइट्स के फ्लैजलर सेल्स के मूवमेंट के कारण। अब आगे बढ़ जाते हाँ। तो यहाँ पर जो कैनाल सिस्टम था वो कोनोसाइट सेल्स उससे लाइंड होता है और अंदर भी हम लोग देखे थे कि जो आपका स्पॉन्जो सेल था वो भी आपका कोनोसाइट सेल से लाइंड था, जिसके मूवमेंट के कारण फ्लैजला के वो क्या होता है, वाटर करेंट जो है ना एक निश्चित दिशा में हमेशा फ्लो होते रहता है, बहते रहता है। और इस कैनाल सिस्टम से फायदा क्या होता है, इससे मटेरियल जो है जैसे वाटर है, गैसेस है, वो आपका वाटर के थ्रू अंदर और भोजन है वो बॉडी तक पहुंच जाता है और सेल और उसके बीच में, वाटर के बीच में एक्सचेंज हो जाता है। अगला है स्केल्टन। स्केल्टन इसमें कैसा होता है, इंडो स्केल्टन होता है। मतलब इंडो स्केल्टन का मतलब क्या है, अंदर पाया जाने वाला स्केल्टन। इंडोस्केल्टन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो कैल्शियम का बना हुआ कैल्कोब्लास्ट होता है जो कैल्केरियस स्पिक्यूल होता है, या सिलिसियस स्पिक्यूल होता है जो सिलिका का बना होता है, इसको सिल्कोब्लास्ट कहते हैं। ये दो स्पिक्यूल हो गया, स्पिक्यूल दो प्रकार का हो गया, एक सिलिका का बना हुआ या कैल्शियम का बना हुआ, और दूसरा हो सकता है स्पॉन्जियल फाइबर जो स्पॉन्जियोब्लास्ट करता है कहलाता है। और तो और कई स्पंज में ये दोनों पाए जाते हैं साथ साथ, ठीक है। तो स्पॉन्जियल फाइबर जो का बना हुआ, प्रोटीन का बना हुआ जो है ना वो आपका फाइबर होता है और वो आपका हो सकता है कि स्पिक्यूल के साथ साथ रहे या अकेले भी स्पिक्यूल या ये स्पॉन्जियल फाइबर हो सकता है। कहाँ पर, मेजेनकाइम में, अभी आपको पीछे दिखाए थे। अगला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इसका होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब आप समझते ही होंगे कि भोजन को अंदर ले लेता है और उसके बाद डाइजेशन करता है। माउथ और जो डाइजेस्टिव ट्यूब है वो एब्सेंट होता है। इसमें जो माइक्रोविलाई होता है कॉलर सेल्स का, वो आपका फिल्टर करता है, जो आपका वाटर में माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उनको फिल्टर करता है, और इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये फिल्टर फीडर होता है, मतलब छान के खाने वाला एनिमल होता है। इसमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, जो कि फूड वैक्यूल के अंदर कोनोसाइट्स में होता है। तो कोनोसाइट जो अभी हम लोग अंदर देख रहे थे उसमें जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर इसका भोजन का डाइजेशन होता है। अब सर्कुलेशन का बात कर लो, तो रियली इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ना तो ब्लड होता है, ना जो है ना आपका हार्ट होता है, ना ब्लड वेसल्स होता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का बात ही नहीं होता है।
वाटर भी वैसा नहीं है कि सर्कुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर। लेकिन देखा ये गया है कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है, जिस सेल में न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन हो रहा था, जो सेल आपका जो है ना उसको क्या कर रहा था, खाया था, उसको अंदर लिया था, उसमें से न्यूट्रिएंट जो है वो चला जाता है मेरिनकाइम के किस सेल में, तो आपका मेरिनकाइम के द्वारा जो है ना वो बाकी जो है ना जिस सेल को आवश्यकता पड़ता है उसमें थोड़ा एक्सचेंज होता है, जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा ये जाता है कि मेरिनकाइम जो है ना कुछ हद तक भोजन को इधर से उधर या कमी बेसी को पूरा करने में एक सेल का दूसरे सेल से मदद करता है या मीडियम जैसा काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसमें जो रिस्पायरेशन होता है एरोबिक टाइप का होता है। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा यहाँ ऑक्सीडेशन फूड का, और ये आपका जो जनरल बॉडी का होता है सरफेस उसके थ्रू होता है, मतलब जो सेल्स होते हैं उसके थ्रू होता है। और प्रोसेस जो होता है वो होता है सिंपल डिफ्यूजन का, जिससे आपका क्या करता है ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कर लेता है। इसमें ना तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स होता है और ना कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होता है। अगला है एक्सक्रीशन का बात। एक्सक्रीशन जो होता है वो भी आपका कुछ हद तक रिस्पायरेशन के जैसा ही जनरल सरफेस ऑफ बॉडी से होता है, सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। जो एसिडिटी वेस्ट अंदर में ज़्यादा है, वाटर में कम है, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और बॉडी जो है ना वो के सेल्स जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इसमें आपका जो एसिडिटी वेस्ट होता है मुख्यतः उसका नाइट्रोजिनस वेस्ट किस रूप में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अमोनिया होता है इसका मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट किस रूप में, नाइट्रोजिनस वेस्ट के रूप में जो मेन एसिडिटी वेस्ट होते हैं वो कौन होते हैं, अमोनिया होता है। नर्व सेल और सेंसरी सेल्स जो है ना इसमें एब्सेंट होता है, जिसके चलते ये आपका किसी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स, वैसा रिस्पॉन्स जो नज़र आए देने में अक्षम होता है। चूंकि इसमें नर्व सेल और सेंसरी सेल नहीं होते हैं इसलिए ये विजुअल रिस्पॉन्स स्टिमुलाई का नहीं देता है। स्पंज जो है ना अकेला मेटाजोअंस है जिसमें नर्व और नर्व सेल्स नहीं पाए जाते या सेंसरी सेल्स नहीं पाए जाते। बाकी जो भी आपका मेटाजोअन है स्पंज को छोड़कर, पॉलीफेरेंस को छोड़कर, उन सब में सेंसरी सेल या सेंसरी स्ट्रक्चर और क्या होते हैं, नर्व सेल होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अकेला है मेटाजोअन जिसमें नर्व सेल या सेंसरी सेल्स नहीं होता। रिप्रोडक्शन का बात करते हैं, यहाँ पर रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का होता है, एसेक्चुअल भी और सेक्चुअल टाइप भी। एसेक्चुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो या तो एक्सटर्नल बडिंग के द्वारा होता है फेवरेबल कंडीशन में, या इंटरनल बडिंग के द्वारा होता है। एक्सटर्नल बड तो नॉर्मल है आपका, वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, लेकिन जब एडवर्स कंडीशन होता है तब जो है ना वो कैसा होता है, इंटरनल बडिंग होता है, जिसको जिम्यूलेशन कहते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिम्यूलेशन हमेशा कब होता है, एडवर्स कंडीशन में होता है, खराब वातावरण में होता है, जब विपरीत परिस्थिति हो। इसमें आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका फ्रैगमेंटेशन के द्वारा भी होता है, मतलब बॉडी जो है ना कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़ा अंततः आपका पेरेंट जैसा नया ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट कर लेता है, बना लेता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये ध्यान रखिएगा, बर्ड अगर बाहर बनेगा तो नॉर्मल बर्डिंग है, और अगर बॉडी के अंदर बनेगा बर्ड तो उसको जिम्यूल कहते हैं, और पूरे प्रोसेस को जिमुलेशन कहते हैं। बर्डिंग जिमुलेशन क्या है, एक प्रकार का बर्डिंग है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन के साथ होता है, जिनका निर्माण होता है और फ्यूजन होता है। स्पंज जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमेशा इंटरनल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल, पानी में नहीं होता है बल्कि बॉडी के अंदर होता है। ओवम जो है ना
वो आपका स्पर्म के पहले मैच्योर होता है या बन जाता है, अर्थात यहाँ पर जो कंडीशन होता है प्रोटोगाइनस कंडीशन होता है बाइसेक्सुअल, लेकिन मेल जो है वो बाद में बनेगा, स्पर्म जो है सेल या मेल गैमेट जो है वो बाद में बनेगा, जबकि फीमेल गैमेट या जिसको ओवम बोल रहे हैं वो पहले बन जाता है। इसलिए ये जो होता है आपका वो आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है, ये सेल फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है। क्यों भाई? तो जिसमें आपका फीमेल जो है ना ओवम जो है ना मैच्योर हुआ या बना उसमें स्पर्म बनेगा ही नहीं, और जिसमें स्पर्म बना है उसमें ओवम ऑलरेडी पहले ही खत्म हो गया है, फर्टिलाइज हो चुका है। तो इसलिए इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है क्रॉस टाइप का होता है, और डेवलपमेंट जो होता है समानता वो इनडायरेक्ट रूप में होता है। आपको पहले भी बताए थे कि इनडायरेक्ट जब भी आएगा आपके दिमाग में बात आ जाना चाहिए कि वैसा जो आपका जायगोट के बाद जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो किसके मदद से बनेगा, तो हमेशा लार्वा के मदद से बनेगा। लार्वा के मदद से बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कहेंगे। और बिना लार्वा का डायरेक्ट इंडिविजुअल बन जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट कहते हैं। यहाँ पर जो लार्वा होता है वो समानता दो नाम से जाना जाता है, पैरेन्काइमुला या एम्फीब्लास्टुला। इसका जो लार्वा होता है पैरेन्काइमुला कहलाता है या एम्फीब्लास्टुला कहलाता है, और ये क्या करता है? स्पेसिस के फैल के डिस्पर्सल में भी मदद करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको फैलने में या बिखरने में मदद करता है। ठीक है, ये हम लोग देख रहे थे स्पंज के बारे में। थोड़ा सा अब इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो कुछ कॉमन नेम लिखे हैं लेकिन कुछ कॉमन नेम अलग से लिख लेते हैं, बता देंगे। देखो कुछ जीनस है और उसका कुछ कॉमन नेम है स्काइफा, स्काइफा को हम लोग साइकन कहते हैं। अगला है यू प्लेक्टेला, इसको हम लोग वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग ब्रिडल गिफ्ट इन जापान कहते हैं। ठीक है, अगला है हाइलोनीमा, हाइलोनीमा को हम लोग ग्लास रोप स्पंज कहते हैं, जबकि क्लायोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं। और ये जहाँ पर बोरिंग स्पंज आ जाता है वहाँ पर देखा जाता है कि मोती का जो बनने का जो प्रक्रिया है काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, अगला है यू पोंजिया, यू पोंजिया जो होता है वो बाथ स्पंज कहलाता है, जबकि स्पोंजिला जो है ना फ्रेश वाटर स्पंज है, पीछे ही हम लोग पढ़े। और कैलिना जो है वो मरमेड ग्लोब कहलाता है। ठीक है, मरमेड ग्लोब देखने में कुछ हद तक वो जो क्या बोलते शादी विवाह जो होता है आप देखे होंगे शायद क्रिश्चियन वगैरह में, तो उसमें ग्लव्स जो है ना महिलाएं पहन के जाती हैं, और वो जो ग्लव्स होता है कुछ हद तक उसी के नाम पर यहाँ मरमेड ग्लव्स ग्लोब्स बोलते ग्लव्स ना। तो ये आपका कुछ कॉमन नेम था, कुछ एग्जाम्पल था उसका। अब कुछ फिगर से देख लेते हैं इसमें। देखो ये कुछ फिगर है एग्जांपल्स का पॉलीफेरा का। पहला जो है ना साइकन है, ठीक है, दूसरा है यू स्पोंजिया और तीसरा स्पोंजिला। ये देखिए दो तीन जो है ना आपको फिगर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं स्पंज का। नेक्स्ट बात करते हैं हम कर लो इसको। ठीक है, अगला बात करें तो वो है नेक्स्ट। देखो ये जिम्यूल देख रहे हैं हम, जिम्यूल जो देख रहे होंगे आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें कुछ आपको गोलाकार जैसा नजर आ रहा है, इसमें मोना एक्जल एस्पिक्यूल है बाहर से, हाँ। उसके बाद आप देख रहे होंगे माइक्रोपाइल है, आउटर मेम्ब्रेन है बाहर से इसको घेर के रखे हुए, आर्कियोसाइट्स है और इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो है ना ये आपका अलग हो ये अलग हो जाता है और ये क्या करता है फिर पूर्वज जैसा नया जो है ना आपका स्पंज बनाता है। तो ये आपको एक जिम्यूल का बात दिखा रहे थे। कुछ कॉमन नेम और है जिसको यहाँ पर लिखने का कोशिश किए हैं, आप देख लीजिएगा। हाँ, इसको अपना आराम से
नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर, इसको हाउस स्पंज किसको कहते हैं, सो लिखा हुआ, फ्रेश वाटर स्पंज किसको कहते हैं, सो लिखा हुआ, पीछे तो कुछ और आपको बताए ही थे, कुछ इसमें उससे भी मिलता जुलता है, देख लीजिएगा। अगला है स्टडी ऑफ स्पंज क्या है, पाराजुलॉजी, ठीक है। और रीजर्नेशन ऑफ स्पंज जो है ना, इसको सबसे पहले देखा गया था H.W. Wilson के द्वारा। सबसे बड़ा स्पंज जो है ना, उसका नाम है स्पेसियो स्पॉन्जिया वेस्पेरियम, ठीक है, वेस्पेरियम ये इसका नाम है, स्पेसियो स्पॉन्जिया वेस्पेरियम, वेस्पेरियम। सबसे छोटा स्पंज है कौन, ल्यूकोसेलेनिया बलेंचा, ठीक है, ये कुछ है आपका, ये दिमाग में रखिएगा। कुछ बात और इसमें हम चाह रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज भी जोड़ दें, तो देखते हैं, ना होगा तो कुछ और एक्स्ट्रा चीज जोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया, ठीक है।